नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में देखने वाले हैं कि सत्र 2019-20 में जो बीएड का रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वह किस तरीके का है, और हमें रजिस्ट्रेशन वाइज फिलिंग किस तरीके से करनी है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रेजुएट प्रोग्राम की। तो ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए हमारे पास है बीए बीएड, जिसका ड्यूरेशन 4th ईयर का है, और जो लोग अभी 12th में हैं या 12th पास आउट कर चुके हैं तो उन लोगों के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। वे चाहे तो अपना रजिस्ट्रेशन इस 4 वर्षीय पाठ्यक्रम में करवा सकते हैं। तो इनका बीए और बीएड दोनों 4 वर्ष के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास बात आती है बीएड की। तो जो लोग अभी ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो उनके लिए बेस्ट प्रोग्राम है, तो वे लोग चाहे तो इसमें अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ये इस प्रोग्राम की ड्यूरेशन 2 ईयर्स की है। इसके बाद हमारे पास आता है बी एल एड, यह भी 4 वर्षीय पाठ्यक्रम है। तो यह जो लोग 12th पास आउट कर चुके हैं उन लोगों के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, जो चाहे तो इसे कर सकते हैं। इसी प्रकार हमारे पास आता है बी पी एड, तो यह भी 2 वर्षीय पाठ्यक्रम है और जो लोग ग्रेजुएट हैं वे लोग इसे कर सकते हैं। इसके बाद बी एस सी बी एड, यह भी 4 वर्षीय पाठ्यक्रम है। तो जो लोग साइंस से 12th कर चुके हैं तो उन लोगों के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटीज है, वे लोग चाहें तो इस पाठ्यक्रम में अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अब हम बात करते हैं पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम के बारे में। तो पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए हमारे पास है बीए सॉरी बीएड एमएड। तो इस प्रोग्राम में हम बीएड और एमएड दोनों एक साथ कर सकते हैं। तो जो लोग करना चाहें उनके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, वे इसमें अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है एम एड, मास्टर ऑफ एजुकेशन। ये भी 2 वर्षीय पाठ्यक्रम है और जो लोग बीएड कर चुके हैं वो इस पाठ्यक्रम में अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसके बाद एम पी एड, मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, यह 2 वर्षीय पाठ्यक्रम है। तो जो लोग इसमें अपना रजिस्ट्रेशन करवाना चाहें तो वे इसमें अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। हम देखते हैं रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस किस तरीके का और हमें अपना रजिस्ट्रेशन किस तरीके से करना है। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपना ब्राउजर पर और यहाँ पर हम टाइप करते हैं HED। ठीक है, तो जो फर्स्ट वाला लिंक दिख रहा है इस पर हमें क्लिक करना है और हम थोड़ा सा वेट करते हैं। तो देखिए हमारे पास कुछ इस तरीके की लिंक ओपन होगी। तो जो सेकेंड वाली लिंक्स है इस पर हमें क्लिक करना है। तो हम जैसे ही सेकंड वाले लिंक पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरीके का पेज ओपन होता है। देखिए हमारे पास कुछ इस तरीके का पेज ओपन हुआ है, यहाँ से हमें सारी प्रोसेस करनी है। तो हम देख सकते हैं हमें बीएड बीपीएड एमएड और एमपीएड बीएड एमएड इसके लिए रजिस्ट्रेशन करवाना है। तो हम यहाँ अप्लाई पर क्लिक करके यहाँ से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके बाद हम बीए बीएड बीएससी बीएड इत्यादि के लिए हम रजिस्ट्रेशन करवाना चाहें तो हम यहाँ से अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसके पश्चात हम जो हमारा फॉर्म है उसका हमने पेमेंट नहीं किया तो हम यहाँ से उसका पेमेंट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे कुछ लिंक्स दी गई हैं तो हम चाहें तो यहाँ पर क्लिक करके भी अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं जो फर्स्ट वाली लिंक है इस पर क्लिक करके। तो हम इस पर क्लिक करते तो इस तरीके का हमारे पास एक फॉर्म ओपन होगा। इस फॉर्म के अंदर हम अपनी सारी डिटेल्स लाइक स्टूडेंट नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीज़ हमें इस पर इंटर कर देना है। और यहाँ से हमें अपना जो एजुकेशन स्टेटस है उसे सेलेक्ट कर लेना है। हमारा एजुकेशन जो भी है लाइक इंजीनियरिंग, स्नातकोत्तर, स्नातक, हायर सेकेंडरी, जो भी हमें यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है और आगे बढ़ने पर क्लिक करना है। जैसे ही हम आगे बढ़ने पर क्लिक करते तो हमारे पास एक नया पेज ओपन होगा। उस पेज पर हमें अपना एड्रेस वगैरह इंटर करना है और सिग्नेचर अपलोड कर देना है। इसके पश्चात इसका जो भी पेमेंट है वह हमें पे करना है। पेमेंट हम चाहे तो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग से कर सकते हैं। ये सारी प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद चलिए हम अगला प्रोसेस देखते हैं, जो चॉइस फिलिंग का प्रोसेस है। तो चॉइस फिलिंग की प्रोसेस के लिए हमें बैक आना है और जो थर्ड वाली लिंक दिख रही है बीएड काउंसलिंग होम पेज, इस पर हमें क्लिक करना है। तो हम इस पेज पर क्लिक करते हैं और हम थोड़ा सा वेट करते हैं। तो देखिए हमारे पास कुछ इस तरीके का पेज ओपन हो गया है। यहाँ से हम प्रवेश प्रक्रिया पर क्लिक करते हैं और यहाँ से हम जो फर्स्ट राउंड की वैकेंसीज हैं, जो फर्स्ट राउंड की वैकेंसीज है वो 3 अप्रैल 2019 से स्टार्ट हो गई हैं और 20 अप्रैल 2019 को समाप्त हो जाएंगे। तो यहाँ से हम क्लिक यहाँ पर हम क्लिक करके सारी वैकेंसीज हैं जो फर्स्ट राउंड की वो हम यहाँ से देख सकते हैं।
तो यहाँ पर जितने भी कॉलेजेस हैं सारी लिस्ट हमें यहाँ से शो हो जाएगी। अगर हम अगर अपने डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग कॉलेज सर्च करना चाहें तो हमें यहाँ से अपना जो भी डिस्ट्रिक्ट है उसे सेलेक्ट कर लेना है। जैसे मैंने यहाँ से हरदा सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। और हम थोड़ा सा वेट करते हैं तो देखिए हरदा के जो कॉलेजेस हैं वो सारे यहाँ पर शो होने लगे हैं। इसके बाद हमें चॉइस फिलिंग किस तरीके से करना है, तो चलिए हम वापस चलते हैं और यहाँ पर चॉइस फिलिंग पर हमें क्लिक करना है और हमें थोड़ा सा वेट करना है। यहाँ पर अपना जो आवेदन क्रमांक है उसे इंटर कर देना है, यहाँ पे हमें अपने डेट ऑफ बर्थ इंटर करना है और यहाँ पे हमें कैप्चा कोड इंटर कर देना है। इसके बाद हमें कंटिन्यू पर क्लिक करना है तो हमसे कॉलेजेस पूछे जाएंगे। तो जो भी कॉलेज हम सबसे पहले लेना चाहें उसे हम फर्स्ट यहाँ पर हम जो जो रेटिंग कॉलेज है सबसे देंगे, पहले लेना चाहते हैं उसे सबसे पहले हम प्रायोरिटी दें, और जो कॉलेज हमें बाद में लेना है तो उसे हम बाद में। इस तरीके से हमें 50 कॉलेजेस सेलेक्ट कर देना है। फिर इसका जो भी प्रोसेस है वह कंप्लीट होने के बाद हम कॉलेज अलर्ट हो जाएंगे। अगर हमें किसी कारणवश कॉलेज अलर्ट नहीं होते तो हमें दूसरी काउंसलिंग का वेट करना है और फिर से हमें चॉइस फिलिंग करना है। तो इस तरीके से हम यह सारा प्रोसेस है इसे हम कर सकते हैं। इससे रिलेटेड अगर फॉर्म फिल करने में, चॉइस फिलिंग करने में आपको कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट के माध्यम से बिल्कुल पूछ सकते हो, मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई करूंगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।